हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ आलू चाप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट आप देख लीजिए, जो आलू है इसको मैंने बॉईल करके मैश करके रखी हूँ। एकदम से मैश किया हुआ नहीं, मीन्स थोड़ा सा गिल्टी टाइप का होना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है खाने में। एकदम से चाप टाइप का अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए, एक छोटा सा प्याज है उसका हाफ हम लिए हैं। और उसके साथ ये देखिए, अदरक लहसुन है, रेड चिली पाउडर है, नमक है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है। और ये जो है 5 फोड़न है। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, मिर्च तो मिर्च हमें फोड़न के लिए चाहिए। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म है, इसलिए मुझे 5 फोड़न को ऐड करना है और इसको चटकने तक का वेट करना है। ये देखिएगा चटकना चालू हो गया, इसका अपना अच्छा बहुत बढ़िया स्मेल आता है। आलू चाप में मेन रोल इसी का होता है। जैसे ये चटका ना, इसका स्मेल बहुत ही सौंधा सौंधा आ रहा है। अब मुझे इसमें प्याज ऐड करना है, इसे लाल होने तक का करना है। हम लाल होने देते हैं। तो ये देखिएगा, प्याज हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेड हो गया है। अब मुझे ये जो सारे सूखे मसाले थे उसको ऐड करना है, और साथ में थोड़ा पानी देना है, इसलिए कि हमारा जो मसाला है पाउडर है तो अच्छे से भुना नहीं पाएगा। थोड़ा पानी डाल दिए तो अच्छा भुनाएगा। तो हमको अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक का भूनने के लिए छोड़ना है। हाँ, तो ये देखिएगा हमारा जो मसाला है ना, पूरे कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल भुना गया है बहुत अच्छे से। अब उसको हम आलू को डालकर इसके साथ भूजेंगे। मसाला भुना है, अब इसके साथ मेरा आलू भी भुना रहा है। बहुत ही टेस्ट लगता है ये आलू चाप घर पे बना हुआ, बाहर के आलू चाप से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। मेरे घर में तो सब लोग बहुत पसंद से खाते हैं। ये अच्छे से हम आलू को भूनेंगे, ताकि ये जो सौंधापन है ना आलू में अच्छे से आ जाए, क्योंकि आलू चाप में आलू को ही अच्छा भुना हुआ टेस्ट अच्छा होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास बादाम है तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा लगता है। वो मैं ऐड करूँगी बाद में जब मुझे बनाना होता है। इस स्टेज पे ना आप इसका नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। यह तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम है ज़्यादा है तो आप इसको अभी ऐड कर सकते हैं। और माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, ये मेरे पास ग्रीन चिल्ली है, कोरिएंडर लीव्स है, और 2 ग्रीन चिल्ली है, जिसको हम ऊपर से ऐसे डाल के इसको भी थोड़ा भून देते हैं। तो हमारा आलू चाप का जो आलू है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही यम्मी दिख रहा है। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे मुझे ठंडे होने के लिए छोड़ना है, क्योंकि मुझे आपको आलू चाप दिखाना है कैसा बनता है हमारा आलू चाप। हाँ, ये देखिएगा, ये मैंने बेसन लिया है, और इसमें ये जो हमारा अजवाइन है इसको ऐसे करके क्रश करना है, क्रश करके इसमें डालना है। इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये मसाले में देखिएगा, ये नमक है, जीरा है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, और ये भी थोड़ा सा ना ये सोडा है खाने वाला। इन सब चीज़ों को मुझे इसमें ऐड करना है, और साथ ही मुझे 1 चम्मच 1 चम्मच ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मुझे ऐड करना है।
और आलू चाप को अगर आपको ऊपर से क्रिस्पी चाहिए तो आप ना आलू चाप में ये देखिएगा चावल पे ये मेरे पास पेस्ट है, चावल का पेस्ट इसलिए मैं सुबह में रखी थी इसको बनाकर, इसको आप इसमें ऐड कीजिए और इसका बढ़िया से बैटर बना दीजिए। ये देखिएगा बैटर हमारा रेडी हो रहा है पानी डालकर। पानी आपको धीरे धीरे ऐड करना है, एक साथ भी नहीं ऐड कर देना है कि और पानी लगेगा। तो ये देखिएगा मेरा आलू जो थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने इसका पेड़ा बना लिया 5 पीस, और ये मेरा जो बैटर है ना ये बनकर रेडी है सब कुछ डालकर। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा मोटा ना तो ज़्यादा पतला, इसे अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। और यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म है ना। अब मुझे इसमें क्या करना है, इस तरह से डिप करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुझे इस तरह से फ्राई करना है आलू चाप को। तो देखिएगा हमारा आलू चाप फ्राई होने लगा है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है इसको टेस्ट करने में। होने दीजिए इसको अच्छे से फ्राई, दोनों साइड से पकाना है इसको। तो ये देखिएगा हमारा आलू चाप फ्राई हो गया है दोनों साइड से, अब मुझे इसे बाहर निकालना है। तो ये देखिएगा रेडी है हमारा यमी सा आलू चाप बन करके, जो ऊपर से तो बड़ा क्रिस्पी है क्योंकि इसमें चावल के आटे डले हुए हैं और अंदर से बड़ा ही सॉफ्ट है। तो कैसा लगा आपको हमारा आलू चाप बनाने का तरीका? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।